शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल की इकाई शकुंतला विद्यालय रामनगर में 7 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया। वहीं समर कैंप के समापन पर विद्यालय के डायरेक्टर द्वारा समर कैंप में एक्टिविटी का निरीक्षण भी किया गया। शकुंतला ग्रुप ऑफ स्कूल ये नाम काफी जाना पहचाना है और अपनी बेहतर शिक्षण शैली के लिए जिले सहित प्रदेश भर में जाना जाता है। शाला में अध्ययनरत विद्यार्थी हर विधाओं में पारंगत हो, ऐसी तैयारियां शाला प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों को कराई भी समय समय पर जाती है। इसी कड़ी में शकुंतला विद्यालय में समर कैंप का आयोजन किया गया। 26 अप्रैल से 2 मई तक चलने वाले समर कैंप के समापन पर शाला के डायरेक्टर व प्रिंसिपल द्वारा निरीक्षण किया गया। हम बता दें, ये समर कैंप किसी विज्ञान मेले से कम नहीं लगा, जहाँ विद्यार्थियों ने आधुनिक तकनीकी का उपयोग कर कंप्यूटराइज्ड बेस तैयार किया। मैम, हमने 2 दिन के समर कैंप में ये एक होलोग्राम का छोटा सा मॉडल बनाया है, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन की सहायता से 2D इमेज को 3D में कन्वर्ट किया है। होलोग्राम? यस मैम। इसका क्या उपयोग है, अगर बच्चे करना चाहें तो किसमें कर सकते हैं? मैम, ये सबसे ज़्यादा सहायता स्कूल में पढ़ाने के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि स्कूल में आमतौर बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज की सहायता जरूरत पड़ती है, और जिस स्कूल में लैब जैसे चीज़ें ना हो, वहाँ पर इसका काफ़ी उपयोग किया जा सकता है। यहाँ शिक्षक पीछे खड़े होकर अपने हाथों से बता सकते हैं कि जिसको हम इंग्लिश में सिमुलेशन कहते हैं, उसे हम इसके दौरान दिखा सकते हैं। कितने दिन में तैयार किया इसको? मैम, इसको तैयार करने सिर्फ 2 घंटा 2 दिन। मैं यहाँ सभी शिक्षक को धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो हमें अपनी पूरी लगन के साथ उच्च कोटि का ज्ञान प्रदान करने में हमारी सहायता करते हैं। मेरा नाम मेहुल आशटकर है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं इस वेबसाइट को बनाया है, जिसका एक तो नाम है चेंजर IQ, और इसमें हम चैलेंज ईयर IQ करते हैं, मतलब IQ लेवल को हम इसमें टेस्ट करते हैं। सबसे पहले इसको डेस्कटॉप अगर हम साइट में खोलेंगे, ये हमारा होम पेज है वेबसाइट का, इसमें हमारा वेबसाइट का नाम है चैलेंज योर आई क्यू लेवल। सबसे पहले हमें इसमें डैशबोर्ड में इसका फंक्शनिंग यूज़ करने के लिए हमें अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन कितने दिन में तैयार किया तुमने? 4 दिन। इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल बच्चे किस तरह से कर सकते हैं? बच्चे, जो छोटे बच्चे, वो अपना IQ लेवल, अपना नेचर देखने के लिए कर सकते हैं, और जो बड़े बच्चे से 10वीं से 12वीं तक के छात्र हैं, वो अपना IQ लेवल और अपना स्ट्रेस लेवल देखने के लिए या फिर मेंटल एबिलिटी लेवल देखने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी शाला, अपनी फैकल्टी, जो मैडम यहाँ खड़ी है कोऑपरेट करती है, उनके लिए क्या बोलेंगे? हम उनके बोलेंगे कि ये हमारे शिक्षा प्रदान करने के लिए सबसे ज़्यादा मदद करते हैं, और यही है, ये हमारे गुरु जो हमें सर्व शिक्षा प्रदान करते हैं। आप सब, जब हमने पहले दिन शुरुआत करी थी, तो जो इसकी मिट्टी होती है, विच इज़ क्ले सॉइल, सबसे पहले हमने उसे नीड करा, उसे गूंदा, ताकि उसके जितने भी एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाए और हमारे जो पॉट्स हैं वो और अच्छे तरीके से बने। फिर जो पॉटर्स व्हील होते हैं, जिसे हम हिंदी में चाक बोलते हैं, उसके बीच में हम मिट्टी रखते हैं और उसको अपने हाथों से ऊपर की तरफ करते हैं, ताकि हमारे पॉट्स बन पाए। देन हम अपना जो थंब होता है उसे सेंटर में इंसर्ट करते हैं, जिससे बीच में एक हॉलो स्पेस बन जाए। उसके बाद हम अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे रख के एंड राइट हैंड से उसको शेप देते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि जो हमारी पॉट की बाउंड्री होती है वो 1/4 of an inch हो, जिससे वो अच्छे से सूख पाते हैं और वो एक परफेक्ट, हम कह सकते हैं, एक तरीका होता है पॉट को बनाने का। इसके बाद जब हमारा पॉट बन जाता है, तब हम एक पीस ऑफ थ्रेड से उसको नीचे से काट के आराम से उठाते, ताकि वो टूटे ना, और फिर उसे 4 से 5 दिन सूखने के रहा। समर कैंप में अनेक कला को बच्चों ने उकेरा। लाल किले का मॉडल हेरिटेज हाउस में सुशोभित रहा, तो वहीं देश की प्राचीनतम मंदिरों के मॉडल हेरिटेज हाउस में सजाए गए व इको फ्रेंडली मॉडल के तहत पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया। साथ ही सेव एनिमल थीम पर भी पशु पक्षियों के रख रखाव को लेकर और साथ ही प्लांटेशन पर भी शोध किए गए। समर कैंप में बच्चों ने कुम्हार की कलाकारी का प्रदर्शन कर मिट्टी के दिए, गमले,
फ्लावर पॉट निर्मित कर सजाए तो वहीं छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कलाकृतियों को भी उकेरा। सूपे पर उन्होंने पेंटिंग बनाई, वहीं दीवार पर सजाने के लिए वॉल हैंगिंग भी तैयार किए। इसके साथ ही लाइव बैंड भी किया गया। शाला के डायरेक्टर व प्रिंसिपल ने समर कैंप का उद्देश्य बताते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना दिल से करी। मैडम, एक्टिविटी तो पूरी सामने आपको, बास्केटबॉल, योगा, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, स्नैक्स, लूडर, कराटे, स्केटिंग, फायरलेस कुकिंग, गार्डनिंग, थिएटर, ड्रामा, ब्यूटी एंड वेलनेस, आर्ट एंड क्राफ्ट, जुम्बा, फन विद साइंस, मतलब बहुत सारे मैडम जिनकी गिनती नहीं है, और सब में बच्चों ने खुल करके पार्टिसिपेट किया है। करीबन 800 से 900 बच्चे पार्टिसिपेट किए मैडम इस पूरे उसमें, दोनों स्कूल में, शारदा विद्यालय रिशाली, शारदा विद्यालय वैशाली नगर, सगुंडला विद्यालय रामनगर में, और पेरेंट्स का भी भरपूर सहयोग रहा है। बच्चे एकदम समय पे आते थे और बच्चों ने आकर के अपने दिल से काफ़ी कुछ किया। ऐसा नहीं है मैडम कि पहले दिन खूब बच्चे भीड़ लगा के आए और फिर लास्ट दिन तक पता चले बच्चे गिनना पड़ रहा है कितने आए करके। जो बच्चे शुरू में आए लगातार उनकी हॉबी बनी रही और उन्हें काफ़ी इंटरेस्ट आया। इस टाइप के हम हर साल लगातार करते हम लोग आ रहे हैं मैम, और आगे भी हमारा अच्छा प्रयास रहेगा कि हम इससे भी अच्छा समर कैंप करें। कल 3 तारीख से हमारे यहाँ एक एडवेंचर समर कैंप चालू हो रहा है, और उस एडवेंचर का समर कैंप में भी बाहर से आए हैं सिखाने वाले आ रहे हैं। 3 दिन का एडवेंचर समर कैंप रहेगा और उसमें नाइट हॉल्ट भी है एक दिन का, उसमें बच्चों का, उसमें काफ़ी कुछ उनको रोचक चीज़ें दिखाई जाएगी, सिखाई जाएगी। बाकी मैं तो चाहूँगा बच्चे खूब आगे बढ़े, अपनी हॉबी को कभी ख़त्म ना करें, इस हॉबी को अपने जीवन का एक मकसद बना लें, ज़िंदगी में कभी किसी के आगे नहीं झुकना नहीं पड़ेगा। मैम, साल भर बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत व्यस्त रहते हैं। बच्चों को लगता है कि सिर्फ हमको क्या जीवन भर पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए स्कूल मैनेजमेंट ने पढ़ाई के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को प्रेरित किया और समर कैंप के माध्यम से किए। 26 अप्रैल को समर कैंप का उद्घाटन हुआ और आज 2 मई को समर कैंप का समापन हुआ, और सुबह बच्चे 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में आ जाते थे, और सुबह योगा सेशन होता था डेली, और उसके बाद इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स में बच्चे डिवाइड हो जाते थे और खूब एंजॉय किए। मुझे लगता है कि जो बच्चों ने समर कैंप में यहाँ सीखा है बहुत सारी अच्छे स्किल्स, वो अपने जीवन में उसको जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। बहरहाल शकुंतला स्कूल में समर कैंप में बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाया। शाला प्रबंधन से मिले बच्चों के सहयोग को बच्चों ने भी काफी सराहा और शाला प्रबंधन का साधुवाद करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट।